आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के, एक कुंडली और चुंबक नीचे दिखाई गई है, ये कुंडली है, ये चुंबक है, तो कुंडली में धारा प्रेरित होती है जब। अब इसमें धारा कब प्रेरित होगी हमसे पूछा गया है। इसके अंदर आपको ये चार जो है ये कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारे पास में विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास में अ, ब, स और ये है बच्चों हमारे पास में द। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर जो भी हमारे पास में प्रेरित धारा होगी वो किसके कारण होगी, इससे संबंध जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा तभी जाकर के उसके अंदर जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कुंडली में परिबद्ध क्या होगा, मतलब जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जैसे कि मान लीजिए ये अभी कुछ फ्लक्स बना रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, तो इससे कुछ संबद्ध फ्लक्स हो रहा है ना, संबद्ध हो रहा है कुछ एक फ्लक्स, यानी कि परिवर्तन होना जरूरी है बच्चों, नियत नहीं परिवर्तन। अब कुंडली और चुंबक अगर दोनों स्थिर होंगे तो इसमें अगर ये रुके हुए हैं दोनों के दोनों, तो इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन यानी कि डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि ये वाला तो हमारा क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। अब क्या हो जाएगा दूसरे वाले में, यानी कि कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में सापेक्षिक गति होनी चाहिए तभी जाकर के ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब कुंडली स्थिर है ना, ये वी बराबर जीरो है और ये इधर की तरफ में आ रहा है, तो जैसे जैसे करके ये आएगा इसके फ्लक्स के मान में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, है ना, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा डेल्टा फाई के मान में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि होगी, ठीक है। वृद्धि होगी तो मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो जो ये है बच्चों ये हमारा एकदम सही है, कुंडली स्थिर होगा और चुंबक एक अक्ष के अनुदिश गति करेगी। तो अच्छा, अगर ये इससे दूर भी जाएगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी, ठीक है, तो कमी आ जाएगी तो फिर से वापस इसके परिवर्तन हो रहा है ना, तो अब की बार जो है बच्चों पहले की विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, पहले की विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये वाला भी हमारा सही है, यानी कि जब ये पास में जाता है तब ये इनकी तरह काम करता है ना, और ये तब ये धारा है वो ऐसे करके जाती है, और जब ये दूर जाता है तो ये एस की तरह काम करता है, तब ये धारा की दिशा क्या हो जाएगी बेटा, पलट जाएगी, ये कुछ इस तरीके से, यानी कि ये वाला सही है। अब चुंबक स्थिर है और कुंडली एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, तो बात तो वही है, अगर ये स्थिर रहेगा और ये वाली गति करेगी तो भी क्या हो जाएगा, इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चाहे दूर जाए चाहे पास जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी जो है बच्चों हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, साथ में प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। और चौथे के अंदर जो दिया गया है वो ये है, ध्यान से देखिए, ये तो तीनों की तीनों हो गए हमारे, ठीक है, चौथे के अंदर है कि दोनों कुंडलियां वाई अक्ष के अनुदिश समान चाल से गतिमान है ना। अब अगर ये दोनों की दोनों ही जो है ये ऐसे और ये ऐसे करके गतिमान है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके जो अगर ये दोनों ऊपर की तरफ में गतिमान होंगे तो इनका सापेक्षिक वेग तो क्या है, जीरो आ जाएगा, है ना, यानी कि v रिलेटिव जो आ जाएगा वो तो जीरो आ जाएगा ना, किसमें, एक्स अक्ष में, है ना, और तो यहाँ पर ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, इसमें भी कोई फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि ऐसे करके इन दोनों का कुछ ना कुछ वेग होना चाहिए, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही जवाब दो और तीन, इसी में दिए गए हैं, दो और तीन ये वाले में दिया गया है बेटा, द हमारा सही है, इस वाले में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी है देख लीजिएगा, लेकिन दो और तीन हमारे सही हैं, तो यही विकल्प हमारा सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।